इस समय भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अकॉर्डिंग टू IMF, भारत की नॉमिनल GDP इस समय $3.5 trillion है। PPP परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की GDP PPP $11.7 trillion है। तो ये है भारत की अर्थव्यवस्था का हाल। अब भारत की अर्थव्यवस्था में कौन से टॉप 5 स्टेट सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की टॉप 5 स्टेट इकोनॉमी के बारे में बाय नॉमिनल GDP एंड पर कैपिटा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इंडिया की फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी कर्नाटका की है। कर्नाटका की GDP 2022 में $233 billion है और पिछले 5 सालों में कर्नाटका की ग्रोथ रेट 8.4% रही है। कर्नाटका में पॉवर्टी रेट 16% है। कर्नाटका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.7% है। कर्नाटका का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.683 है। 2019 से 2021 तक कर्नाटका में 11.95 लगभग $12 billion का FDI आया था। 2021-22 में कर्नाटका ने $22.8 billion का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था और $38.8 billion का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया था। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के मामले में भारत में कर्नाटका नंबर 1 है। कर्नाटका को भारत का IT हब कहा जाता है। दुनिया का चौथा लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर कर्नाटका में। कर्नाटका की GDP में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है 66%, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 19% और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर 15%। कर्नाटका में आपको ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी। कर्नाटका का एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्नाटका का 64% एरिया कल्टीवेटेड है। कर्नाटका में राइस, रगी, ज्वार, मेज, पल्सेस की बड़ी मात्रा में खेती होती है। इसके अलावा कर्नाटका में काजू, कोकोनट, सुपारी, इलायची, चिली, कॉटन, शुगर केन और टोबैको भी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। कर्नाटका के पास बेंगलुरु है, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु में आपको सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेंगलुरु में आता है। भारत की 60% बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज बेंगलुरु में बेस्ड है। बेंगलुरु में आपको मेजर IT कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस, गूगल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, अमेजोन, IBM, इंटेल के ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी गुजरात की है। गुजरात की GDP 2022 में $259 billion है। पिछले 5 सालों में गुजरात की एवरेज ग्रोथ रेट 7.8% रही है। गुजरात में पॉवर्टी रेट 12% है। गुजरात का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.672 है। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 2.1% है। गुजरात के GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19% है, इंडस्ट्री का 45% है, सर्विस का कंट्रीब्यूशन 36% है। गुजरात भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट है। भारत का 25% एक्सपोर्ट अकेले गुजरात करता है। गुजरात में 46 पोर्ट है, 18 एयरपोर्ट है, जो उसकी कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। गुजरात में आपको केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, डेयरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी। गुजरात वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोसेस डायमंड का प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड का 72% प्रोसेस डायमंड अकेले गुजरात प्रोड्यूस करता है और भारत का 80% डायमंड एक्सपोर्ट अकेले गुजरात करता है। गुजरात के सूरत को डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गुजरात फार्मास्यूटिकल के मामले में भी बहुत आगे है। इंडिया का 28-30% फार्मा एक्सपोर्ट गुजरात से होता है। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में गुजरात में $21.89 billion का FDI आया था, जो भारत के टोटल FDI का 30% था। गुजरात ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में $66 billion का एक्सपोर्ट किया था। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की GDP $290 billion है। पिछले 5 सालों में तमिलनाडु की एवरेज ग्रोथ रेट 11.2% रही है। तमिलनाडु में पॉवर्टी रेट 4.3% है। तमिलनाडु का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.709 है। तमिलनाडु में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.2% है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में तमिलनाडु ने $31.5 billion का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अलावा तमिलनाडु ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में लगभग $20 billion, 2020 में $22 billion, 2021 में $24 billion का IT एक्सपोर्ट किया था। तमिलनाडु का IT एक्सपोर्ट हर साल 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की 17% फैक्ट्रीज तमिलनाडु में लोकेटेड है। भारत की इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन 16% है। तमिलनाडु भारत का सेकंड वेलियस स्टेट है। तमिलनाडु भारत का हाईली अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन स्टेट है, जहां 60% आबादी अर्बन एरियाज में रहती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु की GDP में 33% है, जो भारत के किसी भी स्टेट के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इसीलिए तमिलनाडु को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया कहा जाता है। तमिलनाडु में आपको ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स,
प्लास्टिक सबकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के चेन्नई में आपको फॉक्सकॉन, सैमसंग, सिस्को, डेल, एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिल जाएंगे। चेन्नई को साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा तमिलनाडु आईटी सर्विसेज में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन तमिलनाडु की जीडीपी में 54% है और एग्रीकल्चर सेक्टर का 13% है। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 294 बिलियन डॉलर्स है। पिछले 5 सालों में यूपी की एवरेज ग्रोथ रेट 11.3% रही है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2017 में यूपी में पॉवर्टी रेट 37.79% थी, वहीं 2021 में ये गिरकर 26.4% पे आ गई है। यूपी में गरीबी बहुत तेजी से कम हो रही है। यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय सिर्फ 2.9% है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में यूपी ने लगभग 18.8 बिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था। पिछले 5 सालों में यूपी भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक सेकंड है। यूपी में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। यूपी एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया में नंबर 1 है। एग्रीकल्चर के अलावा यूपी टेक्सटाइल सेक्टर में भी बहुत अच्छा है। कई मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको बनारस, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में देखने को मिलेगी। यूपी धीरे धीरे इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। यूपी की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 24% है, इंडस्ट्री सेक्टर का 26%, सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% है। इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की जीडीपी 430 बिलियन डॉलर है और पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की एवरेज ग्रोथ रेट 8.4% रही है। महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट 3.1% है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में महाराष्ट्र ने 58.41 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। 2019 से मार्च 2021 तक महाराष्ट्र में 23 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया था। महाराष्ट्र की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 51% है, इंडस्ट्री का 9% है, सर्विस सेक्टर का 40% है। महाराष्ट्र भारत का इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल स्टेट है, पर महाराष्ट्र में आज भी 24% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के पास मुंबई और पुणे जैसी सिटी है। मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, पर अब मुंबई कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया से इवॉल्व होकर ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनता जा रहा है। मुंबई में आपको सभी बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफिस मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाएगी। पुणे को महाराष्ट्र का एजुकेशनल हब कहा जाता है। इसके अलावा पुणे में आपको बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिसेज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के पास एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। महाराष्ट्र अकेले इंडिया का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों, अगर आप नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो 2022 में भारत की लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी महाराष्ट्र की है, जिसकी जीडीपी 430 बिलियन डॉलर है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जिसकी जीडीपी 294 बिलियन डॉलर है। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है, जिसकी जीडीपी 290 बिलियन डॉलर है। फोर्थ पे गुजरात है, जिसकी जीडीपी 259 बिलियन डॉलर है। और फिफ्थ पे कर्नाटका है, जिसकी जीडीपी 233 बिलियन डॉलर है। मैंने आपको 2022 का डेटा बताया है, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो भारत की नंबर 1 स्टेट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम गोवा है। गोवा की पर कैपिटा इनकम 4,35,000 रुपए है। दूसरे नंबर पे सिक्किम है, सिक्किम की पर कैपिटा इनकम 4,03,000 रुपए है। तीसरे और चौथे नंबर पे दिल्ली और चंडीगढ़ आता है, पर ये दोनों यूनियन टेरिटरी है तो इनको रैंक में शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि आज हम यहाँ पे स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो सिक्किम के बाद तीसरे नंबर पे हरियाणा है, चौथे पे तेलंगाना है और पांचवे पे कर्नाटका है। गुजरात की रैंक 11th है, तमिलनाडु की 12th है, महाराष्ट्र की 14th है और यूपी की 32 है। ये डाटा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का है। आप इस डाटा पे यकीन कर सकते हैं, क्योंकि 2022 का डाटा इससे थोड़ा ही ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 में कोविड आ गया था, जिसके चलते भारत की इकॉनमी गिरी, जिसके चलते भारत की स्टेट इकॉनमी भी गिरी और स्टेट की पर कैपिटा इनकम भी गिरी। 2021 पूरा रिकवरी में चला गया, तो 2022 में स्टेट की पर कैपिटा इनकम इतनी ही होगी या इससे थोड़ी सी ही ज्यादा होगी। तो आप इस डाटा पे यकीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।